जो भी पूरा मामला है ये राजनीति से प्रेरित है, और ये वही लोग हैं जो राम को ना मानने वाले लोग। ट्रस्ट ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है, कि जो वहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है, परकोटा का विस्तार होना है, कुछ मंदिर और मकान उसमें आ रहे हैं, तो आज की डेट में जब पूरा देश अयोध्या आना चाहता तो अयोध्या का लोग अयोध्या से बाहर कैसे जाएंगे। इस नाते से रेलवे स्टेशन के पास ट्रस्ट ने सहमति और संवाद के आधार पर वो ज़मीन ली है, उसमें अनावश्यक तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। वो लोग राजनैतिक लोग हैं, और जो भी उसमें अभी प्रेस विज्ञप्ति में आया है कि वर्षों पुरानी उनकी वो थी, वो ट्रस्ट क्लियर करेगा या जिन लोगों ने दिया है। मैं तो मेयर के नाते लगभग जो भी मंदिर आए हैं उसमें मैं विटनेस करता हूँ, और सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ट्रस्ट करता है, तो उसमें कोई हेरा फेरी इस प्रकार करना उनकी बौखलाहट। सर भैया, एक सवाल ये है कि वो कौन सी परिस्थिति थी कि आपको खरीदने और बेचने दोनों में गवाह बनना पड़ा? बता दिया कि जब ट्रस्ट ने आपको प्रेस रिलीज किया, वर्षों पुरानी उसकी अनुबंध की ज़मीन थी। वो तो बताया जा रहा ना कि वो किन कारणों से नहीं किए हैं, वो तो ट्रस्ट बताएगा, वो सब क्लियर होगा, ट्रस्ट प्रेस कर देगा या शाम तक या जो भी होगा, वो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक सवाल है कि निगम के जैसे प्रथम नागरिक हैं, आप कह रहे हैं कि इस वजह से, तो मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ में तो ये लागू नहीं होता है? डॉक्टर अनिल मिश्रा उसके ट्रस्टी हैं, दो गवाह लगते हैं विटनेस में। हमने जो हम विटनेस इस बात के करते हैं कि इतना पैसा इनको दिया गया RTGS से खाते, तो उसमें कोई वही नहीं है, तो हम उसका विटनेस किए हैं। बाकी चीज़ें सब क्लियर हो जाएगा, जो भ्रम फैलाया गया है वो दूर हो जाएगा।